हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे नो बेक क्रीम चीज़ केक ये बहुत ही टेस्टी है सच में बहुत ही टेस्टी है आप जरूर एक बार ट्राई करना इसमें बेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही ईजी रेसिपी है तो मैंने यहाँ पर फुल फैट क्रीम एक लीटर ले लिया है और फिर एक कप मींस दो सौ ग्राम मैंने क्रीम ऐड किया अमूल का मैंने लिया आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं फिर इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे फिर आग को जलाएंगे पहले आग नहीं जलाना है फिर हम लोग ने अभी आग जला दिया थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जैसे थोड़ा सा गर्म हो मिल्क और क्रीम दोनों मिक्स करने के बाद आप उंगली डाल सकते हो उतना ही गर्म होना चाहिए इमीडिएटली आपको बंद कर देना है फ्लेम को बंद करना है और विनीगर डालना है इसमें आप लेमन भी डाल सकते हो मगर लेमन का थोड़ा थोड़ा वो जो लेमन का पार्टिकल्स आ जाता है इसलिए हम लोग लेमन नहीं डालेंगे इसमें सिर्फ विनीगर डालेंगे और धीरे धीरे इसको टाइम लगता है दो से तीन मिनट लगता है धीरे 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 एक साथ में नहीं डालना है विनीगर और फिर आप देखो पनीर जैसा हो गया ये और आप अगर बॉयल कर लोगे तो बहुत हार्ड बन जाएगा वो क्रीम जो है बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा तो अभी आप देख सकते तो इसको हम लोग एक क्लॉथ में निकाल लेंगे ये कॉटन का कपड़ा है ये आप निकाल लेना थोड़ा सा एक पीस मैंने चीज़ डाला है डालने की जरूरत नहीं है अगर है तो आप डालो नहीं और सब मत डालो और इसको अच्छी तरीके से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे ये जब बन के रेडी होता ना जैसे इतना अच्छा क्रीम है आप देख लो आपको लगेगा ही नहीं है कि आपने फ्रेश मिल्क से ये बनाया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 200 ग्राम क्रीम मिलाया है इसमें इसलिए इतना अच्छा निकल के आया तभी तो मैंने बिस्कॉर्स बिस्किट ले लिया है ये यूनिबिक का है ये आपको सस्ता में मिल जाएगा मगर ओरिजिनल लेने में बहुत ही महंगा पड़ता है तो मैंने ये बिस्किट लिया आप डाइजेस्टिव भी ले सकते हो मगर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है आप पता ही नहीं चलेगा इतना टेस्टी बनता है तो मैंने ग्राइंड कर लिया बिस्किट को उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया फोर टी स्पून मैंने बटर को मेल्ट करके इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे ज़्यादा बटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट्स शुगर और बटर से थोड़ा सा रहता है चिपका हुआ तो इसलिए आप उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये केक के लिए बेस्ट बिस्किट है आप ज़रूर ये बिस्किट से ही आप ट्राई करना तो मैंने यहाँ पर मेरा माइक्रो का वो ओपन वाला टीन रहता है वो नहीं है तो मैंने यहाँ पर नीचे जो टीन है इसके यहाँ पर मैंने एक पेपर डाल दिया बटर पेपर डाल दिया तो बटर पेपर डालने से ईजीली वो चला आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग ग्लास का जो बैक साइड है उसी से हम लोग दबा देंगे इसको जे ये वो जो है ना पेपर में अच्छी तरीके से सेट हो जाए और थोड़ा सा बिस्किट में हम लोग चीनी मिला लेंगे ऑलरेडी बिस्किट स्वीट है उस हिसाब से आपको चीनी मिलाना है कितना मिलाना है या नहीं आपके टेस्ट के हिसाब से मिलाना है मैंने टू टीस्पून मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है इसमें अभी इसमें एक टुकड़ा बटर ऐड करेंगे एकदम छोटा सा पीस और थोड़ा सा दूध एकदम थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसको अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना के ये थिक पेस्ट बनेगा ये आप साइड में रख देना है मैं इसका फाइन पेस्ट बना के रख दिया फिर नेक्स्ट एक बोल में मैंने क्रीम ले लिया मैंने टू ग्राम क्रीम लिया अमूल क्रीम लिया आप कोई भी क्रीम ले सकते हो फुल फैट क्रीम जो होता है वही लेना है और इसको थोड़ा सा चीनी डाल के पाउडर शुगर डाल के अच्छी तरीके से बीट करना है और आप देख सकते हो थिक क्रीम बन चुका है अभी इसको मैं... आप देख सकते हो थिक क्रीम बन के रेडी हो चुका है आपको ज्यादा बीट नहीं करना है तो वो पानी छोड़ देगा तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया है इसको थोड़े देर के लिए फिर अभी मैं इसको निकाल लिया निकालने के बाद क्रीम को भी मैंने साइड करके रख दिया है अभी दोनों मिक्स करना है जो चीज़ हम लोग ने पहले बना के रखा था और जो क्रीम बना के रखा है उसको भी मिक्स करना है तो यहाँ पे हम लोग ने दो टीस्पून जो पेस्ट बना के रखा है इसमें हम लोग ने ऐड कर दिया है ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम लोग क्रीम को थोड़ा सा मिक्स करेंगे mm. तो अभी पहले मैं बीट कर लूँगी इसको अच्छी तरीके से आप देखो फिर जो हम लोग ने क्रीम बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे चीज़ और क्रीम दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब ज़्यादा नहीं करना है जस्ट हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है फिर हम लोग इसको जो हम लोग ने बिस्किट का बेस बना के रखा है उसी में इसको डालना ये है बहुत ही सॉफ्ट है आप देख सकते हो अभी हम लोग बिस्किट को भी टू टू थ्री आवर्स हम लोग ने फ्रीज में रख दिया था तो ये हार्ड बन जाएगा नीचे से और इस बीच में जितना भी आप काम है सब कर लेना है रेडी कर लेना है फिर दो घंटे के बाद मैंने बिस्किट को निकाल लिया फ्रिज से आप एक घंटा बाद भी निकाल सकते हैं और इसके ऊपर अच्छी तरीके से आपको जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से सेट से करना है अच्छी तरीके से पूरा कवर करना है अच्छे तरीके से कवर करने के बाद आपको टैप करना है दो से तीन बार बेकिंग का जो ये ट्रे है उसको अच्छी तरीके से टैप 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 करना है तो अच्छी तरीके से वो सेट हो जाएगा बिस्किट को अच्छी तरीके से दबाने के बाद आपको ध्यान में रखना है फ्रिज में रखना है एक घंटा और फिर इसके ऊपर डालना है उसके बाद कम से कम आपको चार से पाँच घंटा रखना है इसको फ्रिज में आप देखो पूरा रेडी हो चुका मैंने फ्रिज में इसको डाल दिया टैप कर रही हूँ मैं फिर इसको फ्रिज में मैं डाल दूंगी कम से कम दो घंटे के बाद दो से ढाई घंटे के बाद मैं इसको निकाल लूँगी ये बहुत ही हार्ड बन जाता है और बहुत ही सुंदर बनता है तो मैंने इसको अभी निकाल दिया फ्रिज से और फिर जो हम लोग ने ये बना के रखा था इसको का पेस्ट उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे इसको भी अच्छी तरीके से फैलाना है बहुत सुंदर से फैलाना है फिर इसको आपको कम से कम तीन से चार घंटा फ्रीज में फिर से रखना है अच्छी तरीके से फैला दीजिए और फिर इसको इसको टैप करने की ज़रूरत नहीं है और आप थोड़ा सा थिक बनाना है अगर आप ज़्यादा लिक्विडी बनाएंगे ये इतना जल्दी हार्ड नहीं बनता तो कम से कम आपको उसको टाइम देना है कम से कम तीन घंटा तो आपको देना है तीन से चार घंटा आपको टाइम देना है रात में बनाने से अच्छा है सारा रात अभी फ्रिज में रहता है दिन में आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो ये आप देखो मैंने पूरा फैला दिया इसको सारा रात फ्रिज में था अब भी मैं इसको निकाल लूँगी ये पेपर के कारण बहुत ही इजीली ये निकाल के आ गया बाहर क्योंकि अगर ओपन केक टीन होता तो और इजी हो जाता है फिर हम लोग इसको काट लेंगे और फिर एन्जॉय करेंगे ये बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी है मार्केट से भी अच्छा बना है घर पे और थ्री फिफ्टी इसका कॉस्ट गिरा है मुझे घर पे बनाने के लिए तो आप अगर ज़्यादा बड़ा बनाओगे और ज़्यादा लगेगा तो उस हिसाब से आप बनाना मगर मार्केट में टू फिफ्टी लेता है वन पीस टू सेवेंटी लेता है आई थिंक टू सेवेंटी थ्री हंड्रेड लेता है तो आप ये घर पे बना सकते हो और बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी अब ज़रूर एक बार ट्राई करना और ऊपर से आप बिस्किट का जो पाउडर है वो ऊपर से आप डाल सकते हो दिखने में बहुत अच्छा लगता है और मार्केट से आप नहीं ख़रीदोगे एक बार अगर घर पर बनाओगे तो आज के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट तो जरूर करना केक के ऊपर थोड़े से बिस्किट डाल दिया दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बाय बाय